पिंड वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। और आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी का भी फ़ोन पूरे का पूरा हैक कर सकते हो। उसके चैट मैसेजेस, उसकी कॉल डिटेल, उसकी कॉल रिकॉर्ड, उसके फ़ोन का कैमरा तक हैक कर सकते हो। उसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसकी लोकेशन आ जाएगी, पूरे का पूरा फ़ोन असेस कर पाओगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। तो एक बात जान लो फ्रेंड्स कि ये वीडियो जस्ट नॉलेज के लिए है, क्योंकि किसी का फ़ोन ट्रैक करना या हैक करना पूरी तरह से लीगल है। तो ये वीडियो जस्ट मैं नॉलेज के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने आपके फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और ब्राउज़र का ओपन करके फ्रेंड्स आपने गूगल साइट खोल लेनी है, और उसके अंदर सर्च मारना है लिख के होवर वॉच, जो मैंने वीडियो के अंदर मारा हुआ है, आप देख सकते हो HOVERWATCH लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी इनकी, hoverwatch.com। आपने उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स वो ए नीचे साइन अप के ऑप्शन मांगेगा फ्री में, ईमेल आईडी और पासवर्ड। आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा सकते हो, बट उसको याद रखना, ये ईमेल आईडी की एक्टिवेशन नहीं मांगेगा, बट आपने वो ईमेल आईडी पासवर्ड याद रखना, क्योंकि वो एप्लीकेशन के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करने लगा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि जो मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड पब्लिक ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे जब ईमेल आईडी पासवर्ड लगा के वो मैं करूँगा लॉगिन, करते हैं हम साइन अप, तो ऐसे वेबसाइट आ जाती है। आप विंडो, एप्पल और एंड्रॉयड किसी के लिए भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करूँगा, मैंने की हुई है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो मैं वैसे कर लेते हैं एक बार और डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को उस फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना जिसको आप हैक करना चाहते हो और ट्रैक करना चाहते हो। तो उसी फ़ोन के अंदर इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। तो फर्स्ट नंबर पे सेटअप आ गया, सेटअप DKUSAP की एप्लीकेशन आ गई है, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से ऐसे इसको आपने इंस्टॉल कर लेना आपके फ़ोन के अंदर। तो यहाँ से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है मांगेगा कि आप किसका डिवाइस ट्रैक कर रहे हो। मैं आपका खुद का सिलेक्ट, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने खुद का माई ओन डिवाइस सेलेक्ट करके, यहाँ पे टर्म ऑफ कंडीशन आ जाएंगे, आपने इसको भी रीड कर लेना ध्यान से। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड वो फिर से मांगेगा जो पहले आपने फिल किया था इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं फिर से वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे रूट का एक्सेस मांगेगा आपके पास, अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो भी आपके फ़ोन में ये चलेगा, जिसके भी फ़ोन में आप ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, जब आप आईडी और पासवर्ड फिल करोगे और लॉगिन करोगे, तो उसके बाद ये पेज से आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना कि ये कोड आ रहा है स्क्रीन पे, ***5487, आपने इसको लिख लेना है कहीं पे। इसके बगैर आप इस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर पाओगे। अगर आप इस एप्लीकेशन में कुछ देखना भी चाहते हो तो इस कोड के बिना आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, इस कोड को आपने याद रखना। अगर आप इसका कोड चेंज भी करना चाहते हो तो कोड चेंज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ये कोड आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये डायल पैड के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए डायल पैड में ये कोड डायल करना पड़ता है, ****5487###। आपके पास अलग से कोड आएगा, जो भी आपका कोड होगा आपने वो कोड याद रखना है फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए। तो मैंने ये कोड लिख लिया, उसके बाद ओके की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब आप जिसके फ़ोन में इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट किया, तो उसके फ़ोन का सारा डाटा ये आप देख सकते हो नीचे, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, चेंजिंग सिम, जो सिम डालेगा वो, SMS, MMS, कॉल, विजिट दी वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट खो रहा है, फ्रंट कैमरा उसके फ़ोन का, व्हाट्सएप, फेसबुक, वाइबर वगैरह का, जो जो चीज़ होगी वो
आपके जो वेबसाइट पे आपने लॉगिन और पासवर्ड करके लॉगिन किया था जिस आईडी से, वो आईडी और पासवर्ड याद रखना है इनकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके, उसके अंदर वो सारे का सारा आप देख सकते हो फ्रेंड्स। वो सारी डिटेल आपको, आप मिनट सेट कर सकते हो, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपको मिलती रहेगी वो वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप पिन भी चेंज, पिन के ऑप्शन है, यहाँ से पिन बदल सकते हो, जो पिन आया था वो फिल करके, तो ऐसे यहाँ से पहले वो पिन और फिर नया पिन डायल कर सकते हो। यहाँ से फर्स्ट पे ऑप्शन आ रही है हाइड होवर वॉच आइकॉन, आपने इस पे सेलेक्ट कर देना है, ताकि जो आप जिसके फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो उसको ये आइकॉन ना दिखे और उसको पता ना चले कि उसके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो आप अगर फिर से इसको कभी भी ओपन करना चाहोगे इस एप्लीकेशन को, तो आपको ये डायल पैड में जाके ही आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाओगे, ओपन कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी एप्लीकेशन का होवर वॉच का यहाँ पे आइकॉन नहीं आ रहा, तो सारे के सारे उस पे देख सकते हो, तो उसको पता नहीं चलेगा जिसको जिसके फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है कि उसका फ़ोन है ट्रैक हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप उस एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हो या फिर कुछ बंद करना या चेंज करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, डायल पैड के अंदर जाना है, यहाँ पे वो नंबर डायल करना है जो आपका पिन इस एप्लीकेशन ने दिया था। तो यहाँ पे मैं वो पिन वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख के आपने इसको डायल कर देना, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ऐसे फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको, यहाँ से ऑप्शन खोल के यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, तो ऐसे आप वो कर सकते हो। तो ऐसे आप किसी का भी फ़ोन ट्रैक कर सकते हो, मैं उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके दिखाऊंगा कैसे आपके पास यहाँ पे नॉलेज ये पहुँचती है। यहाँ पे मैं डिवाइस को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो डिवाइस था, यहाँ पे सारे के सारे डिटेल आ गई है। तो नीचे फोटोज़ वगैरह आएंगी फ्रेंड्स, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे आप फ्रेंड्स सारे की सारी लोकेशन, तो मेरी खुद की लोकेशन आ जाएगी, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, और नीचे यहाँ पे अगर मैं पेजेस स्क्रॉल डाउन करूँगा तो सारे की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी जो मैं फ़ोन के अंदर कर रहा हूँ। तो नीचे वो सारी 5 5 मिनट 10 10 मिनट बाद आते रहेगी। यहाँ से आप वेबसाइट के ऊपर जाके सेम आईडी और पासवर्ड जो आपने सेट किया था उससे लॉगिन करके सब कुछ देख सकते हो। यहाँ सेटिंग के अंदर कुछ सेटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे और सेटिंग आप नीचे जाके देख सकते हो, डिलीट डिवाइस, यहाँ से स्टॉप डिवाइस मॉनिटरिंग, यहाँ से बंद कर सकते हो, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है आ रही हैं। तो यहाँ पे और भी फुल एसेस मिलता है फ्रेंड्स, वो आप इनके प्लान बाय करके भी ले सकते हो। अगर फ्री में भी इसकी बहुत सारी अच्छी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है फ्रेंड्स। तो लेकिन ये वीडियो जस्ट नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये लीगल है पूरी तरह से। अगर कोई आपको इस ऐसा आप कुछ करते हो तो उसका कोई नुकसान होता है तो आप खुद जिम्मेदार हो, अगर आप पे कोई पुलिस केस वगैरह करवाता है जिसका आप फ़ोन ट्रैक करते हो, तो उसके आप खुद जिम्मेदार हो। ये वीडियो जस्ट नॉलेज के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको, अब मैं इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर दूँ, ये वीडियो मैं जस्ट नॉलेज के लिए बना रहा था, उसके बाद मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं अनइंस्टॉल करूँगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे मैं बहुत सारी अच्छे अच्छे ट्रिक्स डालता रहता हूँ, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन या फोन रिलेटेड कोई भी गेम हैकिंग के थ्रू जो भी ट्रिक लेटेस्ट लेटेस्ट आती हैं वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये, यहाँ से मैं अनइंस्टॉल करूँगा इस एप्लीकेशन को, यहाँ से आप ऐसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो इस कोड के थ्रू ही एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, तो कोड को आपने पिन को याद रखना है ध्यान से, उसके थ्रू ही आप अनइंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और
अच्छे से कमेंट्स कर दिया करो। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।